वालेकुम अस्सलाम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हम बहुत अच्छे। वेरी गुड। चलिए, हम रियाजी के तहत हमने पिछले वीडियोस में ज़ुअरबतुल इज़ला किसे कहते हैं ये सीखे। तो आप मुझे बताइए कि ज़ुअरबतुल इज़ला किसे कहते हैं? चार जिलों वाली बंद शक्ल ज़ुअरबतुल इज़ला कहलाती है। अच्छा, मुखम्मस किसे कहते हैं? पाँच जिलों वाली बंद शक्ल मुखम्मस कहलाती है। आपके सामने एक एक सफ़ा रखा गया है, उस सफ़े पर मुझे एक मुखम्मस बनाकर बताइए। अब इसे काटिए। मुखम्मस आपने बना लिए मसीरा, उसे कैंची की मदद से काटिए। अच्छा, आपने मुखम्मस बना लिए। हाँ। ठीक है, अब इस मुखम्मस के किसी एक रास्ते, किसी एक नुक्ते से दो खत बनाइए। एक ही रास्ते निकलने वाले दो खत बनाइए। शाबाश। आपको कौन सी शक्ल हासिल हुई? मुसल्लस। कितने मुसल्लस हासिल हुए? तीन मुसल्लस। वेरी गुड। मसीरा, आपको कितने मुसल्लस हासिल हुए? तीन मुसल्लस। यानी मुखम्मस में हम अगर किसी एक रास्ते दो अलग अलग रास्ते पर हम खत खींचे तो हमें तीन मुसल्लस हासिल होते हैं। अगर हम इन्हें काट लेंगे तो हमें तीन मुसल्लस हासिल होंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मुसल्लस के तीन, एक मुसल्लस के तीनों जावियों की पैमाइश कितनी होती है? 180 दर्जे होती है। तो यहाँ पर तीन मुसल्लस बन रहे हैं, यानी अगर हम 180 को तीन से ज़र्ब देंगे तो हमें तीनों मुसल्लसों की पैमाइश हासिल होंगी। हमें मुखम्मस के तीनों तमाम जावियों की पैमाइश हासिल करने के लिए मुसल्लस के एक मुसल्लस की कितने मजमुआ कितना होता है? 180 ज़र्ब तीन। करो। क्या जवाब आया? 540। यानी मुखम्मस के तमाम जावियों का मजमुआ कितना होगा? 540। वेरी गुड।